पिछले वाले पार्ट में हमने ये जाना था आगे का नाइन टेल फॉक्स यानी कुरुमा का जन्म कैसे हुआ था और वो नरूटो के अंदर कैसे सील हुआ था। और अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके जल्दी से देख लेना। नरूटो के थोड़े बड़े होने पर जब नरूटो एक मिशन पे जाता है लैंड ऑफ वेव में, वहां पर वो हाकू के साथ लड़ाई करते हुए सबकॉन्शियसली कुरुमा के चक्रा का यूज करता है। कुरुमा को तो पता लगता है कि अगर वो नरूटो को अपने चक्रा का यूज करने दे तो एक टाइम पर जो सील है वो कमजोर हो जाएगी और वो बाहर आ सकता है। बट ये तभी हो सकता है जब खुद नरूटो कुरुमा की चक्रा का यूज करे। चुनन एग्जाम से पहले नरूटो की मुलाकात जिराया से होती है। जिराया नरूटो को बताता है कि नरूटो के अंदर 2 चक्रा हैं और उसे ज्यादा पावरफुल जूस सुपर फॉर्म करने के लिए अपने सेकंड चक्रा को भी यूज करना पड़ेगा। जिराया नरूटो को अपनी उंगली की मदद से एक खाई में धकेल देते हैं, जिस कारण वो बचने के लिए अपने दूसरे चक्रा का यूज करे। अब इसके बाद नरूटो कुरुमा के पास पहुंच जाता है और कहता है, तुम्हें मेरे अंदर रहने के लिए मुझे अपने चक्रा देने पड़ेंगे एज अ रेंट। अब कुरुमा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चक्रा नरूटो को प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि कुरुमा भी यही चाहता था कि वो उसके चक्रा का यूज करे और एक टाइम पे सील कमजोर हो जाए। नेजी और गारा के फाइट के दौरान कॉन्शियसली नरूटो कुरुमा के चक्रा का यूज करता है, लेकिन जब नरूटो की फाइट सास्के के साथ होती है वैली ऑफ द एंड में, सास्के नरूटो को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, लगभग उसे मारने ही वाला होता है। उसी समय नाइन टेल फॉक्स यानी कुरुमा अपनी पावर्स का यूज करके नरूटो के सारे जख्म को भर देता है। लेडी सुनाडे को बचाने के लिए जब नरूटो काबुटो से लड़ता है, काबुटो नरूटो के सारे चक्रा को बंद कर देता है, जिस कारण कुरुमा जो है नरूटो की जान नहीं बचा पाता। और तब कुरुमा को लगता है कि उसकी मौत यहीं पर हो जाएगी, और तभी लेडी सुनाडे अपने मेडिकल निंजुत्सु की मदद से नरूटो को बचा लेती है। नरूटो जिराया के साथ 2.5 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए जाता है, जहाँ पर जिराया नरूटो को ट्रेनिंग देता है कुरुमा की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए। ट्रेनिंग के दौरान नरूटो 2 टेल्स तक कुरुमा के चक्रा का यूज कर पाता है, बट वो जैसे ही 3 टेल्स में पहुंचता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिस कारण वो जिराया पे भी बहुत जानलेवा हमला कर देता है। जिराया बहुत मुश्किल से नरूटो के अंदर सील लगा के उसे रोक लेता है। जब वक्त में नरूटो अकात्सुकी से गारा को नहीं बचा पाता तो इस गुस्से का फायदा उठाते हुए कुरुमा नरूटो पे हावी होना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण वो 4 टेल्स में बदल जाता है और वो काकासी पे हमला कर देता है। काकासी जिराया के दिए हुए सील की मदद से कुरुमा को रोक लेता है, और ओचिमारू के साथ फाइट करने पर नरूटो फिर अपने गुस्से को बाहर ले आता है, और इस बार कुरुमा नरूटो को अपनी बातों में फंसा लेता है और नरूटो 4 टेल्स में बदल जाता है, और उसे रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। नरूटो इस दौरान सकुरा को भी नुकसान पहुंचा लेता है। यामाटो नरूटो को रोक लेता है या फिर रोक पाता है, क्योंकि नरूटो के गले में लेडी सुनाडे का दिया हुआ नेकलेस रहता है जो कि हाशिरामा के सेल से रिएक्ट करता है। यामाटो के पास हाशिरामा के सेल्स होते हैं। नरूटो के होश में आने के बाद यामाटो नरूटो से पूछता है, आखिरकार साकुरा को नुकसान किसने पहुंचाया। यामाटो नरूटो को बताता है, तुमने अपनी 4 टेल्स फॉक्स की मदद से साकुरा को नुकसान पहुंचाया है। यामाटो नरूटो से ये भी कहता है, तुम्हें अपनी पावर्स पर निर्भर होने चाहिए, ना कि कुरुमा की पावर्स पर। ये सुनकर नरूटो अपनी पावर्स को बढ़ाने में लग जाता है और फैसला लेता है वो आगे अब कभी भी कुरुमा की पावर्स का यूज नहीं करेगा। अब आगे नरूटो कुरुमा की पावर्स का यूज करेगा कि नहीं करेगा वो आपको पता लेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, सी यू।